तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उरुस की एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरे एपिसोड नंबर 7 के साथ क्या हुआ था। यूट्यूब ने उसे सीधा 18 प्लस पे डाल दिया। बहुत सारे व्यूअर्स मेरा वो वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि यूट्यूब को मे भी मेरी कॉमेडी पसंद नहीं आई। यूट्यूब आजकल बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बना फिर रहा है, और आपको वो कॉमेडी पसंद आई हो तो वो वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, यूट्यूब का तो ऐसा ही चलता रहता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, लेकिन उससे पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक साल के पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब वो टूर्नामेंट मैच हुई थी, जहाँ पर जोरो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसके बेस्ट फ्रेंड सुशांत का सपना पूरा हो रहा था। वो बेसबॉल के फाइनल में आ गया था और वो शायद जीत भी सकता था, लेकिन अफसोस सुशांत मैच हार जाता है और उसके हारने के बाद जोरो उसे पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। एंड उसे खुश रखने के लिए जोरो उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए जाता है। जहाँ पर वो जिस शॉप में जाता है वहाँ पर एक गर्ल होती है एंड उस गर्ल को वो सुशांत के बारे में सारी बातें बताता है। वो गर्ल कहते हैं कि वो अभी उदास है, उसे अच्छा फील हो इसलिए तुम ये सब कुछ उसके लिए कर रहे हो। तुम अचानक यहाँ पर भागते हुए आए, मैं तो डर ही गई थी जब तुमने मुझे कहा था कि प्लीज़ तुम्हारी सारी तली हुई स्क्वायर मुझे दे दो। जोरो कहते हैं कि ओ सॉरी ऐसे अचानक आ जाने के लिए एंड ऐसा बोलने के लिए। वो गर्ल कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुश्किल से आज एक कस्टमर यहाँ आया है जो मेरे लिए एक लक बन के आया है और तुमने मुझे हौसला भी दिया है। जोरो कहते हैं कि क्या कैसे। वो गर्ल कहते हैं कि अगर कोई यहाँ तुम्हारे जैसा है जो किसी के लिए पूरी कोशिश कर सकता है तो शायद मुझे भी थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। जोरो कहते हैं कि वेल इसका मतलब ठीक से मैं नहीं समझ पाया लेकिन सुनकर अच्छा लगा। एंड जोरो वहाँ से जाने लगता है एंड वहाँ पर वो गर्ल कहते हैं कि हे तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। एंड वहाँ पर जोरो अपना रियल नेम उस गर्ल को बताता है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो को एक लड़के हाथ पर किस करती है एंड वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, बस मेरे साथ अच्छे से रहना। एंड वहाँ पर जोरो पूरे क्लास के बीच में चिल्लाता है एंड वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। एंड वहाँ पर सर आते हैं, वो कहते हैं कि यूकी अपने बारे में सबको बताओ। एंड वहाँ पर यूकी अपना इंट्रो देते हुए सबको कहती है कि मैं हूँ चिहारू यूकी, मेरी पुरानी स्कूल में लोग मुझे सुबह के नाम से बुलाते थे, मेरी फैमिली तले हुए स्क्वायर की एक दुकान चलाते हैं। एंड वहाँ पर जोरो को याद आता है कि वही लड़की जिससे वो उस दिन मिला था। एंड वहाँ पर सुशांत कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा, जो चेयरफुल स्क्वायर है उसमें तुम काम करती हो। एंड वहाँ पर सुशांत स्क्वायर की तारीफ करने लगता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड वहाँ पर जोरो सोचता है कि क्या अब मेरे लिए कोई नई मुसीबत स्टार्ट होने वाली है। एंड वहाँ पर अकाशा थोड़ी जेलस फील होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जोरो से पहले मिली हुई है। एंड वहाँ पर जोरो देखता है तो उसकी सारी वाइफ्स बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रही होती है। एंड वहाँ पर जोरो सोचता है कि अब मेरे लिए एक नई मुसीबत स्टार्ट हो गई है, पता नहीं पेंसी और कॉस्मोस मेरा क्या हल करेगी। फिर उसके बाद हिनाडे यूकी से बात करने लगती है कि तुम जोरो को कैसे मिली ऐसा वैसा एट सी। एंड वहाँ पर अकाशा यूकी से जल रही होती है तो यूकी उसे कहती है कि क्या तुम भी जोरो को लाइक करती हो। अकाशा कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। यूकी कहती है कि ओ अच्छा मैंने गलत समझ लिया। अकाशा कहती है कि हाँ तुमने गलत समझा क्योंकि मुझे उस बंदे में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है एंड उसे मुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है, है ना जोरो। जोरो कहता है कि हाँ सही कहा। एंड वहाँ पर अकाशा चिल्ला के कहती है कि क्या तुम्हें सच में मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। बेचारी की सीधे मुँह पर बेइज्जती कर दी। एंड वहाँ पर यूकी कहते हैं कि जोरो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, तुम कुछ भी मांगो सब कुछ करूँगी। जोरो के माइंड में लड्डू तो फूट रहे होते लेकिन वो कहता है कि वेल नहीं बाबा नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अकाशा कहते हैं कि तुम ऐसा कह सकते हो कि अभी तुम्हारी पर नज़र रखी जा रही इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं ले पा रहे हो। एंड वहाँ पर जोरो की थर्ड वाइफ उस पर नज़र रख रही होती है। जोरो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, चलो कुछ और करते हैं। अकाशा कहते हैं कि ओके अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी हो तो मुझे कभी भी बता देना ओके। एंड वहाँ पर जोरो हाँ कहता है एंड वहाँ पर जोरो अपनी स्टोरी हमें बताता है। जोरो कहते हैं कि उस दिन मैं उसे पहली बार मिला था एंड अभी मेरी किस्मत देखो वो मेरे ही क्लास में आ गई है, वो बिना मांगे मुझे सब कुछ दे रही है जैसे कि वो पूरी की पूरी मेरी हो। लेकिन इस जालिम दुनिया में ऐसी गर्ल होना पॉसिबल है क्या, वो कुछ ना कुछ तो चाहती है। एंड वहाँ पर जोरो सोचता है कि मैं उसकी रियलिटी सबके सामने लाकर रहूँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोरो और यूकी जा रहे होते, वहाँ पर यूकी कहते हैं कि उस रास्ते से तुम मत जाओ, वहाँ पर केला का छिलका है तुम गिर जाओगे। वहाँ पर यूकी जोरो को पकड़ते हैं, जोरो की नज़र तो भाई चली ही जाती है। जोरो सोचता है कि यार ये कितनी क्यूट है एंड वो अंदर से कहता है कि नहीं मैं इसकी चाल में नहीं फंसने वाला, ये एक ऐसी गर्ल है जो अपनी बातों से किसी को भी फंसा सकती है। एंड वहाँ पर यूकी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना पसंद करोगे, क्या है ना मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया है। जोरो कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू, वैसे भी आज मैं लंच नहीं लाया था तो मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि वहाँ पर थैंक यू कहते हैं वो स्माइल देती है, जोरो भी उसे स्माइल देता है। जोरो उस मन में सोच रहा होता है कि ये इसकी कोई चाल तो नहीं है। फिर वहाँ पर जोरो कहते हैं कि मैं अपना सारा काम तुमसे करा के मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रहा हूँ, तो क्या कोई ऐसा काम है जो मैं तुम्हारे लिए करूँ। क्योंकि कहते हैं कि ऐसा अच्छा। जोरो कहते हैं कि हाँ वैसा कुछ भी जो तुम किसी और को ना कह पाओ। क्योंकि कहते हैं कि वेल मैं चाहती हूँ कि ऐसे तुम मुझे अपनी सेवा मुझे करने दो, मैं ऑलवेज तुम्हारे लिए काम आना चाहती हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।
फिर वहाँ पर जोरू सोचता है कि ये कोई लड़की नहीं है बल्कि एंजल परी है जिसे पिस्टल गॉड ने मेरे लिए भेजा है। वो सारी वाइफूस में बेस्ट वाइफू है। फिर उसके बाद हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर योकी सबको अपना इंट्रो देती है सबके नाम बोलकर और सबको कहते हैं कि तुम सबसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कॉस्मोस कहते हैं कि तुम्हें हमारा नाम कैसे पता है। हिनाडा कहते हैं कि मैंने उसे सब कुछ बताया कि हम सब कितने मस्त क्लोज फ्रेंड है। एंड वहाँ पर कॉस्मोस एंड पेंसी कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई यूकी। हिनाडा कहते हैं कि चलो लंच स्टार्ट करते हैं। एंड वहाँ पर वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं। एंड वहाँ पर कॉस्मोस बहुत ही ज़्यादा खाना लाई थी। एंड वो जोरो से पूछने वाली होती है कि जोरो क्या तुम मेरा खाना खाना पसंद करोगे। तभी वहाँ पर योकी अपना खाना जोरो को देती है। एंड वो कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें वादा किया था। एंड जोरो वहाँ पर वो खाना खा लेता है। एंड वहाँ पर कॉस्मोस को थोड़ा अजीब फील होता है। उसे देखकर सूचा कहता है कि क्या हुआ। कॉस्मोस कहती है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस मैं अपने घर से बहुत सारा खाना लाई थी। सूचा टिफिन देकर कहता है कि भाई इतना सारा खाना एक रूम को मैंने में है, ये वन पीस नहीं है। कॉस्मोस कहती है कि बिल्कुल इतना भी नहीं है, बस मैंने एक व्रत रखा था इसलिए वही व्रत होगा जोरो को बनाओ अपना हस्बैंड व्रत। एंड वहाँ पर जोरो सोचता है कि भूखी रहने के लिए व्रत करती है या फिर इतना सारा खाना खाने के लिए व्रत करती है। एंड तभी वहाँ पर जोरो कहता है कि तो क्या इसमें से मैं खा सकता हूँ। पेंसी कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जोरो कहता है कि यस मैं पक्का सच बोल रहा हूँ। एंड वहाँ पर सब लोग एकदम मस्त खाते हैं। एंड वहाँ पर तो जोरो का पूरा पेट फूल गया था। फिर वहाँ पर हिनाडा का रैकेट नीचे गिरता है तो उसे देखकर कॉस्मोस कहते हैं कि रैकेट तुम यहाँ पर लेकर क्यों आई। हिनाडा कहते हैं कि कुछ टाइम बाद मेरा मैच होने वाला है तो मैं कभी भी एंड कहीं भी प्रैक्टिस के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, मैं जीतना चाहती हूँ। एंड वहाँ पर सूजन कहता है कि हाँ इस बार तो हमारी टीम भी पक्का जीतेगी। एंड इस बार तो मेरे पास एक सीक्रेट प्लान भी है। एंड वहाँ पर कॉस्मोस कहती है कि प्रेजिडेंट होने के नाते तुम दोनों को फुल सपोर्ट मिले इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंड वहाँ पर यूकी कहती है कि बाय द वे जोरो तुम किस चीज़ में अच्छे हो। जोरो के माइंड में तो ऐसा ही होगा कि वाइपूस पटाने में। जोरो कहते हैं कि वेल आई डोंट नो मुझे नहीं पता। यूकी कहते हैं कि जोरो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी कोई ना कोई स्किल को फाइंड कर लोगे और उसे इम्प्रूव करोगे। फिर उसके बाद सारे लोग जाने के बाद पेंसी जोरो को अपने साथ कुछ बात करने के लिए रुकती है। एंड वहाँ पर जोरो एंड पेंसी योकी के बारे में बातें करते हैं। फिर वहाँ पर पेंसी जोरो से बड़ी अजीब बातें करना स्टार्ट करती है कि पहले तुमने योकी का खाना एक्सेप्ट किया फिर उसके बाद तुमने कॉस्मोस का खाना एक्सेप्ट किया। फिर कहते कि यार देखो तुम्हारी बुक की फिलोसफी लैंग्वेज में मुझे मत बोलो यार, ठीक से बोलो मुझे समझ आए ऐसा। पेंसी कहते कि देखो तुम मेरे एंड कॉस्मोस के क्लोज हो, इन चीज़ों को तुम सब कुछ एंजॉयमेंट की तरह ले रहे हो, तुम्हें ठीक से मालूम ही नहीं है पर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। जोरो कहते कि आई एम सॉरी। तो पेंसी कहते कि वेल वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरा भी फायदा है। जोरो कहता है कि क्या मतलब था। एंड वहाँ पर पेंसी जोरो को एक बुक दिखाती है। एंड वहाँ पर पेंसी कहती है कि मैं इस बुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रीड करो। जोरो कहता है कि मैं पढ़ाकू नहीं हूँ और मुझे बुकें पढ़ना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पता नहीं मैं इसे पढ़ूंगा भी या फिर नहीं, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे लिए ट्राई जरूर करूंगा। पेंसी कहते कि इसे तुम जब भी पूरा करो मुझे बताना जरूर, मैं तुम्हारा इस बुक के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहूंगी। जोरो कहते कि ओके। एंड वो कहते कि सॉरी स्कूल के बाद मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। पेंसी सोचती है कि ऐसा क्या काम होगा। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोरो स्कूल से जा रहा होता है। एंड तभी उसके पीछे हिनाडा आकर जोर से धक्का मार के उसे पकड़ती है। एंड वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। एंड वहाँ पर वो दोनों एक बैग बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद जोरो घर आता है। एंड वो अपने बैग में देखते हैं तो वो बुक वहाँ पर नहीं थी। एंड तभी वहाँ पर जोरो को याद आता है कि शायद जब वो हिनाडा से टकरा था तभी वो बुक कहीं पर गिर गई होगी। फिर उसके बाद वो बुक फाइंड करने के लिए रात को वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो बुक फाइंड कर रहा होता है। एंड वहाँ पर उसके पास दो गर्ल्स आती है, इसमें से एक का नाम होता है जेरी एंड दूसरी का नाम होता है सुकी मिची। जेरी कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। सुकी मिची कहती है कि जेरी मुझे जाना है। जेरी कहती है कि ऐसा नहीं बोलते, वो मुसीबत में है, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्त अगर तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जोरो कहता है कि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट बुक थी जो मैंने यहाँ पर घुमा दी है तो मैं उसे अभी फाइंड कर रहा हूँ। जेरी कहती है कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जोरो कहता है कि क्या सच में। जेरी कहती है कि हाँ तो मुझे बताओ कि तुम एग्जैक्टली कौन से रास्ते से गए थे। जोरो कहता है कि शॉपिंग मॉल वाले। एंड वो गर्ल कहती है कि ठीक है। एंड वो उस रास्ते चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गर्ल जोरो के पास वापस आती है। जोरो कहता है कि क्या तुम्हें वो बुक मिल गई। जेरी कहती है कि जो तुम बुक फाइंड कर रहे थे क्या वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जोरो कहता है कि वेल हाँ कह सकते हो। जेरी कहती है कि ठीक नहीं हुआ। एंड वो बुक निकालती है। एंड उसे देखकर जोरो कहता है कि वाह तुम्हारा थैंक यू। एंड वो बुक देखता है तो बुक बिगड़ गई थी। जेरी कहती है कि हमें वहाँ से मिली लेकिन अब ये खराब हो चुकी है। जोरो कहता है कि वो वहाँ पर कैसे चली गई। जेरी कहती है कि चलो कम से कम तुम्हें मिल ही गई वही बड़ी बात है। एंड आई एम सॉरी। जोरो कहती है कि अरे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए बुक को ढूंढा, अब शायद मुझे नई खरीद लेनी चाहिए यही ठीक रहेगा। जेरी कहती है कि वेल तुम्हें पता है ये बुक क्या है। यार मुझे इस बुक के बारे में पता है क्योंकि ये मेरे एक फ्रेंड के पास थी, मैंने उसे पूछा था कि कितने रुपये की थी। एंड वो जोरो को प्राइस बताती है। एंड उसकी कीमत सुनते ही जोरो को झटका लगता है। वहाँ पर जोरो चिल्ला कर कहता है कि क्या इतनी ज़्यादा महंगी। सिकी मिची एंड जेरी कहते कि यार धीरे से बोलो। फिर वहाँ पर जेरी जोरो को बुक स्टोर का एड्रेस देती है। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखा जाता है कि जोरो लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब की मैगजीन पढ़ रहा था। पापा उसके फ्रेंड्स कहते कि हे तुम्हें क्या हुआ है।
एंड वहाँ पर हिनाडा और जोरो से मैगजीन ले लेती है। वो कहती कि अभी खाने का टाइम है तो खाने पे ध्यान दो। जोरो कहता कि यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे। एंड वहाँ पर योकी कहते कि जोरो अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो तुम मेरी दुकान पे क्यों काम नहीं करते। जोरो कहते कि क्या तुम्हारी शॉप पे। योकी कहते कि वैसे भी हमने न्यू स्टार्ट किया तो हमें नए बंदों की कमी है। जोरो कहते कि वेल मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कितना मिलेगा। योकी कहते कि हम तुम्हें देंगे 1500 yen पर आवर। एंड अभी जोरो योकी के पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेता है। एंड वो कहते कि मैं तुम्हारा हर एक ऑर्डर मानूंगा मेरी एंजल। तुम तो मेरी मालकिन हो, तुमने मुझे बचा लिया। योकी कहते कि ये जोरो तुम अभी मेरे काफी क्लोज आ गए हो। जोरो कहते कि यार पिछले जन्म में अच्छे काम किए होगे तभी मुझे तुम किस्मत से मिल गई। मैं आऊँगा, मैं डेफिनेटली आऊँगा। एंड वहाँ पर कॉस्मोस रोते हुए कहते कि जोरो अब मुझसे दूर होता जा रहा है। एंड वहाँ पर जोरो कहते कि पेंसी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। पेंसी कहते कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोरो एंड पेंसी बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर जोरो पेंसी से माफ़ी मांग रहा होता है। जोरो कहते कि आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी बुक खराब हो गई तो मैं न्यू बुक लाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। तब तक मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद लाइब्रेरी में नहीं आ पाऊंगा। पेंसी कहती कि पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जोरो कहता कि नहीं मुझे करना होगा। पेंसी कहती कि हाँ ये बुरा हुआ लेकिन जो हो गया वो हो गया ना। जोरो कहता कि आई एम सॉरी मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो मैं वो करूँगा। पेंसी कहती कि तो पार्ट टाइम जॉब करने के बदले तुम स्कूल के बाद मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ, मैं वही चाहती हूँ। जोरो कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता। पेंसी कहते कि मैंने कहा ना कि मुझे नई बुक नहीं चाहिए। जोरो कहते कि तुम्हें चाहिए, मैंने कहा ना। पेंसी कहते कि तो अब इस खराब बुक का तुम क्या करोगे। जोरो कहता है कि मैं इसे अपने पास कुछ टाइम के लिए रखूंगा। पेंसी कहते कि क्यों, तो जोरो कहता है कि क्योंकि अभी तक मैंने इसे रीड नहीं किया है। पेंसी कहते कि तुम कितने भी सख्त लौंडे बनो तुम अपना अच्छा नेचर दिखाई दोगे। जोरो कहते कि आखिर में मैं वही जो हूँ। पेंसी कहते कि तो हमारा टाइम पूरा होता है तो मैं जा रही हूँ, तो मिलते हैं जल्दी जोरो। एंड वहाँ से पेंसी जाती है। एंड वहाँ पर जोरो सोचता है कि मुझे ये करना ही होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोरो योकी के साथ काम करने के लिए जाता है। एंड यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। एंड हमारे चैनल पर आप नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।